हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पर मैंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी रिसर्च रिपोर्ट नहीं देखी है, जो मैं एवरी संडे लेकर आता हूँ, तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। वहां पर मैंने कुछ स्टॉक्स बताए हैं जिसपे आप लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं, प्लस ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी है कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो वो भी आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन देयर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल मंडे को मार्केट पे हम लोग कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर तो मैंने स्टॉक्स दिए हुए ही है, इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर भी प्रोवाइड होने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, कल मैं अक्टूबर सीरीज में कौन से 3 स्टॉक्स हैं अंडर 1000 रुपीज, वो भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ही स्टॉक्स होने वाले हैं। सो चलिए, वीडियो पसंद आती है इन दी एंड तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलते हैं विदाउट मिस्टेक एनी टाइम। सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है आइशर मोटर्स। सो आइशर मोटर्स के अंदर मैंने डेली टाइम फ्रेम को ओपन करा हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है एंड यस, सो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ फाइंड करूँ, अगर सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। सो आई थिंक सपोर्ट की नीड अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फार है, सो हमें एक्स्ट्रा लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं चेक करूँ तो आई थिंक मुझे एक ये बेस दिख रहा है जहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट हुआ करता था। जब वो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हुआ, दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करा एंड स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो पता चली है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये शोल्डर है, दिस इज हेड एंड दिस इज अनदर शोल्डर, और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अब हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टॉक ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, अगेन इट मूव्ड अप और अपना नया हाई क्रिएट करा। स्टॉक दोबारा नीचे आया, एक बेस क्रिएट करा, दोबारा ऊपर गया और अपने नए हाई पे क्रिएट करा। सो कंटिन्यूसली इट मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। सो अभी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पर बाय करने की, बिकॉज इसने एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट पे दिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने एक वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। लेट मी शो यू, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड ये एक राइट शोल्डर अभी फॉर्म हो रहा है, अभी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। ठीक है, सो अगर मैं टारगेट भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों को करंट लेवल्स पे भी बाय करना है, सो मेरे हिसाब से देखिए सबसे पहला टारगेट आता है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि हमारे लिए ये लेवल है। ठीक है, जो कि हमारे लिए हेड एंड शोल्डर जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, उसका जो रेजिस्टेंस पार्ट है वो हमारे लिए एक पहला टारगेट होगा। सो अगर हम लोग 2930 पे भी बाय करते हैं, या अगर कल डिप देती है तो भी बाय करते हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट बैठ रहा है दैट इज 2980 रुपीज के आसपास का। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वीकली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट आ जाता है, तो ये फिर 3200-3300 तक भी जा सकता है और भी हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अपसाइड के जो रेंज है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो पे भी एक ब्रेकआउट आने की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया बेस भी क्रिएटेड है, तो आई थिंक वहां पर आप ऑटो सेक्टर के अंदर इस स्टॉक पे भी नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो हमारा सेकंड स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक पे भी चलिए अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, सो हम लोगों ने अपनी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा अगर मैं सपोर्ट लेकर चलूँ, तो आई थिंक एक सपोर्ट ये आ रहा है, तो हमें पता चला कि ये एक रेंज के अंदर स्टॉक काम कर रहा है और इस रेंज का ब्रेकआउट इसने हायर साइड में दे दिया है। अब इसके अलावा अगर थोड़ी मैं फर्दर एनालिसिस करूं, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये एक छोटा सा और था जहाँ पर इसने एक बेस क्रिएट करा, एक डबल बॉटम क्रिएट करा। सो लेट मी शो यू, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर रहा था, स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करे, इसके बाद एक फाइनली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करा एंड ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाइस को क्लोज करके ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना है।
इसके अलावा अगर मैं नीचे वाली लाइन को हटा देता हूँ बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेट मी शो यू। ठीक है, यस दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज वॉट वी कैन कॉल द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका भी एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी करंट प्राइस है 1600 रुपीज़ का, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे, अगर 15 मिनट या 5 मिनट भी इसके ऊपर बंद कर जाता है कैंडल, तो आई थिंक यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। अब बाइंग कहाँ तक आ सकती है, मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपये, 1615, 1620 या उसके ऊपर भी जा सकता है। बट इसके लिए ज़्यादा टारगेट्स अभी अचीव मत करना, एक कैंडल और ऊपर क्लोज हो तो मुझे बढ़िया कन्फर्मेशन मिलेगा। ठीक है, सो आपको करना क्या, अगर 5 मिनट की कैंडल भी 1600 के ऊपर कल क्लोज होती है तो आप लोग एक बाय सेटअप इस पर जनरेट कर सकते हैं। मैं कल के लिए टारगेट 1620-22 रुपीज़ के आसपास का रख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग एक बार दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे एनालाइज करेंगे अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग देखने को मिलती है, और एक फ्रेश टारगेट मैं आपको बताऊंगा जो आप इसे एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो गाइज, हमारा थर्ड स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो का भी मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एंड ये स्टॉक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब फॉर अ शॉर्ट टर्म 6 महीने 3 महीने के लिए है, और ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अभी आप लोग एक बात देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स पे आप लोगों ने देखा होगा जो भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं ना, वो स्टॉक कंटिन्यूसली बेसिस पे ऊपर जा रहे हैं, बट हम लोग उन्हें कैच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। सो अभी एक मुझे ऐसा स्टॉक लग रहा है जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं, एक बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और इस पर मैं आपको अपनी एनालिसिस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये था हाई, इस हाई से मैंने सारे लोस को कनेक्ट करा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस टाइप है जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट इसने इस पर्टिकुलर सेशन पे दिया था। जब ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट, रीटेस्ट देने के बाद दोबारा ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक करा। सो यानी कि जो ट्रेंड है वो हायर हाईस एंड हायर लोस का है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना मल्टीपल रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे यहाँ पर, और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस कब से चलता आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, 2014 से। सो 2014 यानी कि 7 साल से ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, किस लेवल के नीचे, 150 रुपीज़ के, एंड फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं गया। ठीक है, इट गेव अ रीटेस्ट, उसने रीटेस्ट दिया और तब जाके ये स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, अब इसने अपनी रैली बना ली है, अब ये कंटिन्यूसली हायर हाईज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन पे स्टॉक जा चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइन में और ड्रॉ करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, एंड दैट शुड बी दिस लाइन। अब आप देखिएगा, इसने जो एक हाई क्रिएट करा था एस्ट्राजेनेका माइक्रोवेव ने, ये कर रहा था 2005 सितंबर पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो ऑलमोस्ट 16 साल पहले ये 199 का इसने हाई क्रिएट करा था, एंड 199 से स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 23 रुपये तक आ चुका है। ठीक है, आप देख चुके हैं 23 रुपये तक, और फाइनली इसने यहाँ पर इस वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया, एंड उस लेवल के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है। ठीक है, अपने 16 साल के हाई को, अपने 16 साल के लाइफ टाइम हाई को इसने ब्रेक करा है, तो आई थिंक ये स्टॉक पे बाइंग बनती है, और आने वाले कुछ टाइम पे ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। क्या सर करंट लेवल्स पे बाय कर ले? नहीं, करंट लेवल्स पे बाय नहीं करेंगे, या फिर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बार डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। जब डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा तो यार मेरे को ना यहां पर भी एक हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, लेट मी शो यू, ये देख रहे हैं एक हर्डल्स आपको यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपके पास दो सिनेरियो है, पहला सिनेरियो जो अभी 200 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट है, यहां पर हमें क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल आपको 100 शेयर बाय करने हैं, मैं सजेस्ट करूंगा यहां पर आप 40 क्वांटिटीज बाय करो। ठीक है, अब पेशेंसली वेट करो कि अगर ये स्टॉक नीचे आता है, अगर यहां पर एक बार रीटेस्ट करता है इस लेवल पे, जो कि लेवल है 185 रुपीज का, अगर यहां पर आता है तो 60 क्वांटिटीज और एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इन द एंड का एवरेज इन बिटवीन ही बैठेगा, बट हम लोगों को तो एक्चुअल में यहीं पर ही बाय करना था, तो हम लोगों को तब भी सस्ता मिल रहा होगा ये स्टॉक। ठीक है, अगर बाय चांस ये स्टॉक नीचे नहीं आता और ऊपर कंटिन्यू करता है तो भी हमारे लिए सही, हमने कुछ तो क्वांटिटीज बाय कर रखी हुई है। ठीक है, तो अगर 2-3 दिन भी ऊपर स्टेबल रहेगा तो हम लोग और क्वांटिटीज हल्के हल्के एड ऑन कर सकते हैं।
अब मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर डिप आने के थोड़े से चांसेस हैं, जो लेट मी शो यू। ये आप देख रहे हैं स्टॉक, यहां से मैं आपको जर्नी दिखाता हूं। स्टॉक ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर, हल्का सा रिट्रेसमेंट, अगेन ऊपर, दोबारा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, दोबारा आप देख रहे हैं इस लेवल पे ऊपर गया, रिट्रेसमेंट एंड दोबारा ऊपर गया। सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, ठीक है, वो शायद कल भी लेने आ सकता है या परसों भी लेने आ सकता है और शायद नहीं भी लेकर आए, बट हम दोनों सिनेरियो में बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोग 40 क्वांटिटीज यहां बाय करेंगे, बाय चांस डिप आता है तो 60 क्वांटिटीज और ऐड करके प्राइस को एवरेज कर लेंगे। बट ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा, अगर आप लोग बाय नहीं करते कोई बात नहीं, बट इसको वॉच लिस्ट पर जरूर रखेगा, आने वाले 3 महीने बाद देखिएगा। मुझे अंदर से लग रहा है टेक्निकल एनालिसिस देखिए कि ये स्टॉक 300, 350, 280 के आसपास जा सकता है, इसको जरूर चेक करिएगा। सो गाइस ये था हमारे 3 स्टॉक जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन डाटा और एफआईआर डाटा की। सो गाइस मैंने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर ऑलरेडी एनालिसिस डन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सारे हाईस को कनेक्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने लोस को कनेक्ट करा, इतना तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फिर इसके अंदर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी। आप ये जोन देख रहे हैं पर्पल कलर का जोन, ये एक जोन है जहां से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था एट दिस पर्टिकुलर लेवल, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। अब स्टॉक अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं एक ट्राइंगल, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के अंदर, सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। अब देखिए दो चांसेस हैं, एक तो यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, एक तो ब्रेकडाउन आ सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमारा टारगेट ये होगा जो कि प्रीवियस हाई है, एंड इसके बाद हमारा टारगेट होगा ये जो कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। ये दो टारगेट हमारे पास है। अगर ब्रेकडाउन आता है इस लेवल से, अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी दिस जोन। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हमारा टारगेट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप। सो अगर ये ब्रेकडाउन आता है देन दिस शुड बी द नेक्स्ट टारगेट एंड दिस शुड बी द थर्ड टारगेट। सो इस तरीके से हम लोग अपनी फाइंडिंग कर सकते हैं। सो मैं कल क्या करने वाला हूँ, कल मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी लाइव तो आऊँगा ही और टेलीग्राम तो मैं अपडेट्स करते रहता हूँ आप लोगों को कैसे मार्केट के अंदर एंटर करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नहीं है। सो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा आइदर साइड अगर ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है कुछ तो देगा, बिकॉज इस रेंज के अंदर, इसके अंदर ट्रेड करने के लिए गैप खत्म हो चुका है। सो आई थिंक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में से कुछ तो आएगा, हमें चेक करना है, बिकॉज ऐसी रेंज में देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ये पॉइंट्स बताता हूँ याद रखेगा, ऐसे कन्वर्ज वाली रेंज में ना देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ब्रेकआउट तो ऊपर दिया बट स्टॉक उसके बाद से नीचे जाना, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट, ऐसे बहुत चांसेस देखने को मिलते हैं। तो वो भी कंसेप्ट लेके मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि एक्चुअल बाय पोजीशन कहाँ बनानी है, सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। अब मैं आप लोगों को एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ, फिर ऑप्शन डाटा पे क्लेरिफाई करते हैं कि ज्यादा मोमेंटम कहाँ लग रही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, ठीक है। सो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर भी हम लोगों ने सिंपल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो एक अपर साइड वाला रेजिस्टेंस बनाया है जो कि हम लोगों ने एक सप्लाई जोन क्रिएट करा है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द डिमांड जोन, जहाँ पर एक बाइंग आती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसी रेंज के अंदर एक छोटा सा रेंज बाउंड मार्केट है, देख रहे हैं दोबारा इसी के अंदर एक मार्केट में रेंज बाउंड हो रखी है। अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, आइदर साइड इट गिव अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। अब ये रेंज है, अगर हम इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा टारगेट कुछ है ही नहीं, 50, 60, 70 रुपये का टारगेट है। तो हमें क्या करना है, अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें वेट करना है कि इसके ऊपर एक ब्रेकआउट है, ठीक है। आइदर साइड अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन आने के लिए हमारे पास जो टारगेट है वो सफिशियंट है, हमें 100 रुपये चाहिए बैंक निफ्टी से, 100 या 150 रुपये मैक्स मैक्स पॉइंट्स, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टारगेट है, ठीक है, तो ये हमारे लिए सफिशियंट होगा। अब पॉसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है वो मैं बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले यहां पर आया स्टॉक, ये वाली कैंडल को देखिएगा, साइकोलॉजी वाला पॉइंट है, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हैं, यहां पर पहले तो इसने एक टॉप क्रिएट करा था जहां से स्टॉक नीचे आया था इंडेक्स, दोबारा ये कैंडल क्रिएट करी तो ऑफकोर्स एक सेलिंग प्रेशर आना था, इस वाली कैंडल के बाद एक सेलिंग प्रेशर आना था। चलिए कोई बात नहीं, इसने एक हल्का सा पुल बैक दिया बट अब नीचे आना चाहिए था, बट ये क्या कर रहा है, ये यहां पर एक बेस क्रिएट कर रहा है। अब देख रहे हो यहां पर ये एक बेस क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये बेस ब्रेक होता है ना तो हम लोग कह सकते हैं यस कि अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ सकता है और स्टॉक नीचे आ सकता है, बट अगर ये ऊपर साइड जाता है तो तब भी हम लोग एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं।
क्योंकि सबसे पहली बात तो जब ये वाला एक सिनेरियो बना, इस सिनेरियो पे तो हमें पता लगता है कि एक अब शार्प सेलिंग आ सकती है, अब हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल सपोर्ट्स एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के 50-50 चांसेस है। तो एक बार ऑप्शन डाटा पे चलते हैं और तब एनालिसिस करते हैं। सो मैंने निफ्टी का तो सबसे पहले ऑप्शन डाटा ओपन कर लिया आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले हाईएस्ट पुट राइटिंग ग्रीन बार से हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 17,900 पे, ठीक है। करंट प्राइस है 17,850 रुपीज़ का। सो आई थिंक अगर मैं सेकेंड हाईएस्ट की बात करूँ तो ये आ रही है 17,850, 800 एंड 700 पे। सो यानी कि नीचे बेस क्रिएट है, नीचे एक बेस बना हुआ है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है बेस, ठीक है। आप देख रहे हैं 100-100 रुपये की गैप अप गैप डाउन में है, मतलब रेंज में है, तो आई थिंक ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑन अ डाउन साइड लग रही है, पहली बात तो। इसके अलावा अगर मैं हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखूँ तो वो भी 17,900 पे है एंड उसके बाद 18,000 पे है। सो यानी कि अगर ये 17,900 ब्रेक करती है मार्केट और ऊपर आधा घंटा रुकती है तो हम लोग कह सकते हैं कि तब 18,000 आ सकता है, बट उसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। बट ये जो पूरा चार्ट स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि मार्केट साइडवेज स्लाइटली अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड रहेगी, मतलब हल्का सा मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो सेलिंग आ सकती है, बट नीचे बाइंग आ सकती है, बट वो 17,700 के आसपास, मतलब 150 रुपये नीचे आ सकती है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कल गैप अप खुलता है ना, ज्यादा ऊपर गैप अप खुलता है, तो पहले हम लोग ऑप्शन डाटा को देखेंगे, तब ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी ना, जब गैप अप खुले, मार्केट बुलिश है, 1 मिनट की कैंडल लगा लो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, 3 कैंडल देख लो, तीनों में से अगर 2 कैंडल भी बुलिश बन रही है तो बाय साइड में ट्रेड ले लो, अदरवाइज मार्केट जो गैप है उसको फिल करने आ सकती है, ठीक है। ये सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया होगा एंड इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर भी करा था। बट हर दिन क्या वो सिनेरियो चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करना, मैं आपको जब बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहां करना है, किस साइड करना है, बिकॉज ये डाटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मार्केट का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं और आप पैसा लूज कर सकते हो। सो मेरे साथ बने रहो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको अपडेट्स देते रहूंगा। एक बार बैंक निफ्टी का चेक करें जरा, तो बैंक निफ्टी पे आपको क्लियरली यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 38,000 पे, जो कि यहाँ से 150 पॉइंट्स ऊपर है, और बैंक निफ्टी के लिए 150 पॉइंट कुछ है नहीं, और हमारे लिए तो रेजिस्टेंस ही वो था ना, आप खुद देख सकते हैं हमारे लिए तो रेजिस्टेंस ही 38,000 है, तो हमें उसके ऊपर ही बाय करना है एक्चुअल में। सो हम लोग क्या करेंगे, अब जो पुट राइटिंग है हाईएस्ट है वो 37,000 पे है। अब हमारे पास दो सिनेरियो है, कल तो मुझे चाहिए वरना गैप अप 38,000 30 या 40 रुपीज़ के ऊपर। अगर कल तो आ जाता है 38,000 के ऊपर गैप अप और मार्केट 15 मिनट उसके ऊपर रुक जाती है, तो भाई जितने भी कॉल है, ये जितने भी कॉल लोगों ने शॉर्ट करे हुए हैं, वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे या फिर वो लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, बिकॉज वो अभी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे होगा। सो मेरे हिसाब से जब भी अगर 38,080 रुपीज़ नहीं आता, 38,080 नहीं आता, तब तक इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 38,080 रुपीज के लेवल आया, ये सब लोग डरेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड उसके शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में 38,300-400 भी मार्केट जा सकती है। बट ये सिनेरियो कब है? अगर गैप अप खुलता है। अगर गैप अप नहीं खुलता, इसी लेवल पे खुलता है, तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे, ये और अपनी पोजीशंस इस लेवल पे बनाना स्टार्ट करेंगे एंड मार्केट को नीचे धकेलना स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशन बनाएंगे बेस क्रिएट करने के लिए, तो यानी कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही रह सकती है। इस पॉइंट, इस ग्राफ, इस ऑप्शन डाटा के बेसिस पर हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। तो दो सिनेरियो होते हैं, आई होप आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ FII का डाटा, तो और क्लियर हो जाएगा। FII में कॉल और पुट 1,90,000, 1,90,000, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, तो 315 करोड़ का है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। FIS का डाटा स्टॉक्स पे बाइंग है एंड DIIs की सेलिंग है, तो अगर मैं नेट देखूँ तो मेनली सेलिंग है। सो यानी कि स्टॉक्स भी कल मेनली वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करे हैं ना, तो उनको भी आराम से ट्रेड करना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है ना, तो स्टॉक्स अगर मैंने बाय वाले सजेस्ट करे हुए हैं, तो एक प्रॉपर एंट्री जब तक ना मिले ना, तब तक ट्रेड नहीं करा जाता, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। FIS का ज़्यादा रोल कल मेरे हिसाब से प्ले नहीं होने वाला,
DIIs का भी ज्यादा रोल प्ले नहीं मुझे ज्यादा देखने को लग रहा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेनली जो मैंने पैटर्न बताया, जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उसके बेसिस पे चलो और मार्केट पे पैसा अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो या फिर मार्केट को वॉच करके पहले चेक करो कि क्या मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्या वो बढ़िया जा रही है या नहीं जा रही है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी लिसनिंग दिस होल वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज क्लिक द लाइक बटन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई, मैंने क्लियर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। लेट्स एम कि आज 85,000 सब्सक्राइबर्स तो हम लोग कर ही लें, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी नहीं करा सो प्लीज डू सब्सक्राइब द बटन। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।